आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिजवाना खान। मैं आपकी हेल्थ को लेकर जो है आपके हेल्थ से जुड़ी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहती हूं। अब आप ये सोचेंगे कि हेल्थ से जुड़ी चीजें क्या क्या हो सकती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती हैं और हेल्थ में आती है बेडशीट भी। अब आप कहेंगे कि हेल्थ में बेडशीट कैसे आने लगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम बेडशीट अपने बेड पर जो बेडशीट बिछाते हैं, बिस्तर जो बिछाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर एक हफ्ते में आप दो बार बेडशीट बदलते हैं, एक बार बदलते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप एक महीने में एक बार बेडशीट बदलते हैं तो ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। क्या आपको पता है, बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगी। वो ऐसे कि ऐसा होता है कि जो हमारा शरीर होता है वो जब सोते हैं हम तो 4000 डेड सेल्स छोड़ता है, और उसी से क्या होता है शरीर में, डेली हम वहीं लेटे बैठे बैठे और फिर दोबारा लेटे बैठे उसी बिस्तर पे, तो लगातार हम एक महीने तक उसी बिस्तर पे अप डाउन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं उसके अंदर कितने कीटाणु होंगे और उससे क्या है, बीमारियां भी पैदा होंगी, सर्दी भी होती है, जुकाम होता है, जैसे मौसमी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कि अब कोरोना चल रहा है, और कोरोना में तो सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए इस चीज का। कोरोना और ओमिक्रॉन जब आ गए हैं तो इस चीज का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और साफ सफाई का बेहद ख्याल रखना चाहिए। बेडशीट जो है अपनी हफ्ते में कम से कम एक बार तो जरूर बदले, और अगर आप सोच रहे हैं कि महीने में बदल लेंगे तो कोई बात नहीं, हम मैं तो जैसे कि होता है कोई एक लोग रहते हैं घर में, एक या दो बंदे सोचते हैं कि हम बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं, तो कौन सी गंदी हो रही है बेडशीट, उससे क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये आपकी सोच बहुत गलत है। आप बेडशीट बदलिए, हफ्ते में दो बार बदलिए, एक बार बदलिए तब भी ठीक है, एक या दो बार, लेकिन अगर महीने में आप वो चीज बदल रहे हैं तो वो बेहद खतरनाक है। उसमें बहुत कीटाणु होते हैं, आपको नहीं पता है, वो कीटाणु छिपे रहते हैं, आपको दिखते नहीं है, और वो अंदर ही अंदर क्या है आपकी बॉडी में से, जब आपकी बेडशीट पे आप लेटेंगे बॉडी से टच होगी, बॉडी डेड सेल्स छोड़ेगी, डेड सेल्स छोड़ेगी तो वो कीटाणु आपके अंदर आएंगे, जिससे कि कई बीमारियों से आप ग्रसित हो जाते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी तो होती है, मौसमी बीमारियां तो होती हैं, और शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप अपने घर में रहते हैं तो अपने घर को तो साफ सुथरा रखें ही, साथ में अपनी बेडशीट जो है वो हफ्ते में ज़रूर बदल लें, क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि महीने डेढ़ महीने में बदल जाएगी बेडशीट, इसका क्या हो रहा है, बेडशीट का कुछ नहीं होगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर जो बुरा असर पड़ेगा तो वो बेहद बुरी चीज़ हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार बेडशीट ज़रूर चेंज करिए, ताकि जो कोरोना महामारी आ रही है, ओमिक्रॉन आ रहा है, इन चीज़ों से आपका बचाव हो, आपको निजात मिले। आप इन चीज़ों को क्यों जगह दे रहे हैं, जब आपके घर में और भी अच्छी अच्छी बेडशीट्स मौजूद हैं और आप उनको बिछा सकते हैं अपने बेड पर, तो क्यों नहीं बिछाते, क्यों इंतज़ार करते हैं, और क्यों ये सोचते रहते हैं कि भाई सर्दियों का मौसम है, हमें धोना पड़ेगी, इसलिए आलस कर जाते हैं, और इसी आलस में आपका जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाता है, रोग हो जाते हैं उसमें। गंदी बेडशीट पर नहीं लेटना चाहिए, गंदे बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। तो आप भी साफ सुथरी बेडशीट अपने बेड पर बिछाइए, साफ सुथरी बेडशीट पर लेटिए, ताकि जो बीमारियां हैं आपसे कोसों दूर भाग जाए। तो मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी बताई बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी, और आप अब हर हफ्ते अपनी बेडशीट और हफ्ते में या दो बार अपनी बेडशीट जरूर चेंज करेंगे, और मुझे कमेंट भी करेंगे कि हमने ऐसा किया, ताकि हमें भी पता लगेगा कि आप हमारी बात थोड़ी बहुत तो मानते होंगे। दर्शकों, ये बातें माननी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपकी हेल्थ से जुड़ी चीजें आपको पता होना चाहिए। अपनी हेल्थ के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, और देखते रहें इंडिया न्यूज हेल्थ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ।